इस वीडियो के जरिए हम कम्युनिटी गाइडलाइन इंपर्सोनेशन पॉलिसी के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप YouTube पे लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पार्ट वन वीडियो कल मैंने अपलोड किया था फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के बारे में, लेकिन ये हमारा पार्ट टू वीडियो है इंपर्सोनेशन पॉलिसी के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे भी और उसके बारे में कंप्लीट आपको समझाएंगे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, इंपर्सोनेशन पॉलिसी का हिंदी वर्जन मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। इंपर्सोनेशन पॉलिसी का हिंदी में यहाँ पे पहचान चुराने को लेकर बनाई गई नीति होता है। अब हम पहचान चुराने को लेकर बनाई गई नीति जो YouTube ने बनाया है उसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे ऊपर YouTube किसी व्यक्ति या चैनल की पहचान चुराने के इरादे से बनाया गया कंटेंट दिखाने की हरगिज अनुमति नहीं देता है। YouTube ट्रेडमार्क धारक के अधिकारों को भी लागू करता है। अगर किसी चैनल में मौजूद कंटेंट से विज्ञापन में दिखाए गए वस्तु और सेवाओं के स्रोत के बारे में भ्रम पैदा होता है तो उस कंटेंट को हटा दिया जा सकता है या फिर ऐसे चैनल को भी डिलीट किया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कुछ उल्लंघन वाला कंटेंट दिखता है तो उसका आप शिकायत भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शिकायत कैसे किया जाता है उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। अब फ्रेंड्स, आपके लिए इन नीतियों के क्या मायने हैं आप यहां पे इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो आपको YouTube पे ऐसा कंटेंट पोस्ट नहीं करना चाहिए जिसका यहां पे डिटेल में दिया गया है। मैं आपको इस डिटेल को पढ़ के भी बताऊंगा। चैनल की पहचान चुराना, ऐसा चैनल आपको नहीं बनाना है जो कि पहले से ऑलरेडी बना हुआ है और आप सिर्फ उसका जो है लोगो थंबनेल सेम खुद बना लेते हैं और आप ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये उसी आदमी का चैनल है और आप उससे सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहचान चुराने के अंदर आता है, इंपर्सोनेशन पॉलिसी के अंदर आता है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पहली बार चेतावनी दी जाएगी। अगर आप 90 दिन के अंदर 3 बार गलती करेंगे तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी व्यक्ति की पहचान चुराना इस इरादे से बनाया गया कंटेंट जिसे लगे कि दूसरा व्यक्ति उसे पोस्ट कर रहा हो, सेम वही बात है ये भी। उसके बाद एग्जाम्पल में यहाँ ऐसे कंटेंट के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें यूट्यूब पर मंजूरी नहीं दी जाती है। चैनल में वही नाम और इमेज मौजूद हो जो दूसरे चैनल में है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अंतर सिर्फ नाम में डाले गए किसी खाली जगह या अक्षर ओ की जगह शून्य का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि उस चैनल में जहाँ पे ओ अक्षर है वहाँ पे शून्य का इस्तेमाल करके और आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वही चैनल है और आपको लगता है कि हमने इसे चेंज कर दिया, ओ की जगह शून्य लगा दिया तो हम उससे कुछ अलग बना दिए हैं लेकिन दर्शकों को भ्रम में डालेंगे। तो ऐसा अगर आप कुछ दिमाग लगाते हैं, ओवर दिमाग का यूज करते हैं तो यहाँ पे YouTube के सामने आपका ओवर दिमाग काम नहीं करने वाला है, आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा और ऐसा चैनल को प्रमोट सब नहीं करता है YouTube, डिलीट कर देगा। तो इसका आपका ध्यान में रखना है। इसे दूसरे व्यक्ति का असली नाम, उपयोगकर्ता का नाम, इमेज, बैनर, लोगो, अभी जैसे कि हमने बताया कि इमेज, लोगो, बैनर आईडी, ऐसा कुछ जो एक अलग चैनल बना के आप सेम दूसरे ऑलरेडी जो चैनल बना हुआ है जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर है उसी का सेम आप भी बनाते हैं तो वहां पे अगर आप कंटेंट भी पोस्ट करते हैं और आप ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कंटेंट उसी व्यक्ति का है तो आपका ये चैनल चलने वाला नहीं है और ऐसा चैनल डिलीट हो जाएगा और आपका इस चैनल से आपका जो ओरिजिनल चैनल जिसे आप मान रहे हैं कि मेरा ये फेक चैनल है और दूसरा ओरिजिनल चैनल है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो YouTube आपके गूगल खाते पे ध्यान रखता है कि इस गूगल अकाउंट से क्या क्या हो रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे दूसरे चैनल पे और आप मानेंगे कि मेरा दूसरा चैनल तो सेफ है तो फ्रेंड्स सुधर जाइए, आपका दोनों चैनल डिलीट हो जाएगा, कोई भी चैनल आपका काम का नहीं रहने वाला है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपका गूगल अकाउंट बैन हो गया तो आपका गूगल अकाउंट ही नहीं रहेगा और आपका ना तो YouTube चैनल क्रिएट कर पाएंगे और ना ही वीडियो अपलोड कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना, ऐसा आप कुछ ना करें। तो फ्रेंड्स, चैनल की जानकारी की पूरी तरह से किसी और चैनल की जानकारी से मेल खाना ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में जैसा कि दूसरे के डिस्क्रिप्शन से आपका डिस्क्रिप्शन मेल खाता हो, किसी व्यक्ति के नाम और इमेज का इस्तेमाल करके चैनल सेटअप करना, फिर यह दिखावा करना कि वही व्यक्ति चैनल में कंटेंट पोस्ट कर रहा है, अभी हमने इसके बारे में बता दिया है। किसी व्यक्ति के नाम और इमेज का इस्तेमाल करके चैनल सेटअप करना, फिर दूसरे चैनल पर इस
तरह से टिप्पणियाँ पोस्ट करना जैसे उसी व्यक्ति ने पोस्ट किया हो। तो फ्रेंड्स ये सब वही बातें हैं जो अभी हमने आपको बताया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसे भी आपको इम्पोर्टेंट, इस पे आपको अच्छी तरह से ध्यान दें, चैनल फैन पेज या फिर चैनल फैन यूट्यूब चैनल। आप फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेज देखे होंगे जो कि फैन पेज होता है, लेकिन वो फैन पेज उस एक्टर का नहीं होता या फिर उस आदमी का नहीं होता है। ये जो फैन पेज होते हैं ये ऐसा ही कुछ क्रिएटर होते हैं जो अपना अकाउंट से ऐसा फैन पेज बना के फॉलोवर्स को इंक्रेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई फैन पेज वाला यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चैनल भी रिमूव हो सकता है। 3 बार लगातार आप गलती करते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। अगर यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है गंभीर गलती कर रहा है तो आपका गूगल अकाउंट को भी यूट्यूब बैन कर सकता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नीचे किसी मौजूदा समाचार चैनल की पहचान चुराना, ये भी आपको नहीं करना है। और यहाँ पे सबसे नीचे जो सभी पोस्ट के नीचे ये रहता है कि ध्यान में रखिए ये लिस्ट पूरा नहीं है, और भी लिस्ट इसमें जोड़े जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट नहीं होना चाहिए तो फ्रेंड्स आपको अपना खुद का दिमाग का भी यूज करना है। आप अगर कुछ ऐसा पोस्ट बनाए हैं जो यूट्यूब के लिए अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन कॉपीराइट गाइडलाइन के खिलाफ जाएगा तो आपको ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं करना है। और फ्रेंड्स जब वीडियो से इस नीति का उल्लंघन होता है तो क्या होता है, आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार गलती करेंगे तो आपको एक चेतावनी दी जाएगी ईमेल के द्वारा, दूसरी बार भी गलती करेंगे तो भी आपको एक चेतावनी दिया जाएगा और 1 हफ्ते का मौका दिया जाएगा आपको। अगर आप 90 दिन के अंदर 3 बार गलती कर दिए, यानी कि 3 महीने के अंदर आपने लगातार 3 बार कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन कर दिया तो आपका चैनल 100% डिलीट हो जाएगा। यहाँ यूट्यूब ने क्लियर करके लिखा हुआ है तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कमिटी दिशा निर्देश या सेवा की शर्तें के बार बार उल्लंघन करने पर भी आपके गूगल अकाउंट को बैन कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपका गूगल अकाउंट पे स्ट्राइक लगे और आपका गूगल अकाउंट ही बैन हो जाए। यूट्यूब चैनल तो दूर की बात है, अगर आपका गूगल अकाउंट बैन हो गया तो आप यूट्यूब चैनल भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आप गूगल अकाउंट तो बना लेंगे, क्योंकि ढेर सारा लोग को अगर आपको लगता है फ्रेंड्स आप गूगल अकाउंट बना लेंगे और आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ध्यान रखे जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो वहां पे आपका चैनल का रिव्यू किया जाता है और आपके गूगल अकाउंट का भी हिस्ट्री देखा जाता है, यूट्यूब चैनल का भी हिस्ट्री सभी को देखा जाता है वहां पे। तो फ्रेंड्स आपको यहां पे सेफली अगर रहना है, ज्यादा लंबे समय तक यूट्यूब से अर्निंग करते रहना है या फिर यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो आपको अच्छी तरह से कंटेंट बनाए और उसे पोस्ट करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।